डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम। हेलो डियर डिस्ट्रीब्यूटर, अब इस टूल के जरिए आपकी रूटीन प्रोसेस जैसे कि इनवॉइसिंग, लोडिंग शीट, क्लेम, कलेक्शन, रिपोर्ट इत्यादि पेनफुल मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटेड, आसान व रियल टाइम। जानते हैं कैसे। बिजॉम डीएमएस से। बिजॉम डीएमएस को चलाने के लिए आपको चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप, विंडोज 7 या उससे हायर ओएस के साथ और गूगल क्रोम मिनिमम 1 Mbps इंटरनेट स्पीड के साथ। डीएमएस ओवरव्यू एंड बेनिफिट्स। ह्यूज टाइम सेवर, मैनुअल वर्क टू ऑटोमेशन, क्लेम्स मैनेजमेंट, सेल्स रिटर्न, डेटा मेंटेनेंस, क्विक एंड इजी, स्कीम स्टेटमेंट, इन्वेंटरी स्टॉक रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ रिटेलर लेजर, बैंकिंग सिस्टम, लोड शीट फॉर डिलीवरी मैनेजमेंट, ऑटोमेशन ऑफ सेल्स रिटर्न रिपोर्ट्स, रिटेलर वाइज आउटस्टैंडिंग सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, क्लेम्स रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स, टारगेट अचीवमेंट, रियल टाइम मार्केट वर्किंग रिपोर्ट। चलिए देखते हैं कैसे ये प्लेटफॉर्म आपके काम को करेगा और भी आसान व बेहतर। गूगल क्रोम पर जाकर URL टाइप करें jkhcl.bizom.in। अब आपके सामने है लॉगिन पेज। यूजर आईडी पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए अपने TSM, ASM, RSDTM से संपर्क करें। लॉगिन करते ही आप लैंड करेंगे अपने पहले टैब डैशबोर्ड पर। यहां आपको दिखेंगे 4 ग्राफ्स। फर्स्ट, इको परफॉर्मेंस, टोटल आउटलेट के संदर्भ में बिल्ड आउटलेट्स की समरी। सेकंड, स्टॉक इन वैल्यू, टोटल इन्वेंटरी वैल्यू की समरी अमाउंट में। थर्ड, अचीवमेंट वैल्यू, सेट किए गए टारगेट के संदर्भ में अचीवमेंट की समरी। फोर्थ, करंट आउटस्टैंडिंग, लास्ट 60 दिनों के अनपेड बिल्स की समरी। अगला टैब प्राइमरी GRN, डेली प्राइमरी इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी GRN टैब पे आके आपको एक डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी। डेट रेंज सेलेक्ट कर अपडेट करते ही उस डेट रेंज का डेटा डेपो से आए हुए स्टॉक को रिसीव या कंफर्म करने के लिए नीचे डिस्प्ले होगा। यहां आपको सारे प्राइमरी इनवॉइसेस, उनकी बिल डेट्स, अमाउंट, डिस्पैच डेट जैसी सारी डिटेल्स दिखेंगी। लिस्टेड किसी भी इनवॉइस के राइट साइड पर एक्शन कॉलम में अप्रूव बटन क्लिक करें। इस पॉपअप विंडो में उस इनवॉइस में ऑर्डर्ड सारे प्रोडक्ट्स, उनकी MRP, शिप यूनिट्स, बिल्ड यूनिट्स, रेट पर पीस इत्यादि सारी जानकारी मिलेगी। अगर शिप यूनिट्स में कुछ डैमेज्ड यूनिट्स हैं तो एक्शन कॉलम पे एडिट डिस्कार्ड क्लिक करें, डिस्कार्डेड रीजन और यूनिट डालें और नीचे अप्रूव बटन पर क्लिक करें। GRN डन अलर्ट पॉपअप होगा। प्रेस ओके और आप देखेंगे कि उस इनवॉइस के आगे अब राइट मार्क आ गया है। प्राइमरी GRN रिपोर्ट देखने के लिए ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करें, डेट रेंज सेलेक्ट कर अपडेट करें। यहां आपको सिलेक्टेड डेट रेंज की सारी जनरेटेड GRN रिपोर्ट विद डिटेल जैसे कि डेट क्रिएटेड, ट्रांजैक्शन व इनवॉइस ID, ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, SKU कोड, क्वांटिटी, बेस रेट, MRP और टोटल अमाउंट नीचे टोटल इनवॉइस अमाउंट के साथ दिखेंगी। अगला टैब इन्वेंट्री, सेलेक्ट जोन, सेलेक्ट डिपो और डिस्ट्रीब्यूटर और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। यहां आप अपने स्टॉक्स रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि टोटल सेलेबल स्टॉक, टोटल नॉन सेलेबल स्टॉक, टोटल स्टॉक इन ट्रांजिट एंड टोटल अवेलेबल स्टॉक व स्टॉक वैल्यू। नीचे और भी डिटेल्स में प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन SKU नेम, SKU ID के साथ मिलेगी। राइट कॉर्नर पे आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्टिव है कि इनएक्टिव, ये भी स्टेटस कॉलम में जान सकते हैं। इन्वेंटरी डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, डेट रेंज सेलेक्ट करके अपडेट व्यू पर क्लिक करें। यहाँ आप सारे प्रोडक्ट के इन्वेंटरी डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट की ओपनिंग इन्वेंटरी क्या थी, सेल्स क्या हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या है।
इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगला टैब ऑर्डर फुलफिलमेंट, जिसमें पहली लिंक है मार्केट ऑर्डर। आपके सेल्समैन के द्वारा बुक किए गए ऑर्डर्स यहाँ सिंक हो जाते हैं। उन ऑर्डर्स की डिटेल्स देखने के लिए यहाँ डेट रेंज सिलेक्ट कर अपडेट पर क्लिक करें। नीचे अपडेटेड लिस्ट में आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, बीट, यूजर, आउटलेट, डेपो और डिस्ट्रीब्यूटर इत्यादि। अगर ऑर्डर स्टेटस फुलफिल्ड है और ऑर्डर डिलीवर कर दिया गया है तो फुलफिल डेट एंड इनवॉइस डिटेल्स दिखेगी, नहीं तो ऑर्डर स्टेटस एक्सेप्टेड दिखेगा। तब आप एक्शन कॉलम में दिए बटन्स के जरिए ऑर्डर व्यू कर सकते हैं, ऑर्डर फुलफिल कर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट बटन पे क्लिक करते ही पॉप अप हुए कंफर्मेशन बॉक्स में रीजन सेलेक्ट कर अपनी कमेंट डालें और ओके करते ही ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर स्टेटस कॉलम में उस ऑर्डर का स्टेटस अपडेट होकर तुरंत ही रिजेक्टेड दिखेगा, या फिर व्यू पे क्लिक करते ही आपके सामने होगी उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स, SKU, SKU कोड, यूनिट पर केस, MRP, यूनिट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, अवेलेबल इन्वेंटरी, यूनिट अमाउंट, डिस्काउंट या स्कीम रिलेटेड इन्फो इत्यादि। नीचे फुलफिल और क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करते ही फुलफिल ऑर्डर की डिटेल्स एक्सपैंड होगी। नीचे एडिट एंड क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें। नए पेज पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन आपके सामने होंगी। यहाँ आप प्रोडक्ट डिटेल्स कंफर्म कर यूनिट्स कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट को किसी कारणवश अगर नहीं डिलीवर करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे ऑर्डर्स पर अवेलेबल SKU की डिटेल्स भी देख सकते हैं और अपडेट टोटल पर क्लिक करें। नीचे इनवॉइस समरी जनरेट हो जाएगी। डिटेल्स ध्यान से चेक करें और नीचे पेमेंट मोड के ऑप्शन कैश, क्रेडिट, चेक, ऑनलाइन में से किसी एक को चुनें और सबमिट पे क्लिक करें। ऑर्डर फुलफिल्ड, प्रेस ओके। ओके पे क्लिक करते ही एक नए पेज पर टैक्स इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप मल्टीपल इनवॉइसेस फुलफिल करना चाहते हैं तो ऑर्डर आईडी के आगे दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक कर मल्टीपल इनवॉइसेस सेलेक्ट करें और एक्शन कॉलम में फुलफिल एंड क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें। एक पॉपअप के माध्यम से आपको पूछा जाएगा कि क्या आप प्लेस्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। अगर हाँ तो फिर आगे समझाए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर नो प्रेस करते ही एक नए पेज पे सारे ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। नीचे प्रिंट ऑल इनवॉइसेस पे क्लिक करते ही एक नए पेज पे सभी ऑर्डर्स के इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे। ऑर्डर फुलफिलमेंट टैब के नीचे सेकंड लिंक है इनवॉइस लिस्ट। यहाँ क्लिक कर डेट रेंज सेलेक्ट करके अपडेट करने पर आपके द्वारा क्रिएट किए गए सारे इनवॉइस की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। और तीसरी लिंक है सेल रिपोर्ट। इस पे क्लिक करके डेट रेंज सेलेक्ट करें और अपडेट व्यू पे क्लिक करने से नीचे सारे सेल्स इनवॉइसेस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आप अगर मल्टीपल इनवॉइसेस की प्रिंट चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल कॉलम में हर इनवॉइस के दिए हुए चेक बॉक्स पे टिक करें और मल्टीपल इनवॉइसेस को सेलेक्ट कर दें और नीचे प्रिंट सेलेक्टेड इनवॉइस पे क्लिक करें। अगले पेज पे सेलेक्टेड सारे इनवॉइसेस के टैक्स इनवॉइसेस प्रिंट के लिए तैयार होंगे, जहां से आप उन सारे इनवॉइसेस के प्रिंट्स ले सकते हैं। अगला टैब डायरेक्ट काउंटर सेल्स। अपने मैनुअल ऑर्डर्स के बिलिंग ऑप्शंस के लिए इस टैब को यूज करें। स्टेप 1, ऑल आउटलेट्स, एरियाज, बीट्स, की कस्टमर्स, मैप डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी एक को चुनें और नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से बायर को सिलेक्ट करें जिसका मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना है। सर्च ऑप्शन से जितने भी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लें और अवेलेबल यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए रिक्वायर्ड यूनिट मेंशन करें और ऊपर राइट कॉर्नर में नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टेप 2, यहां आपको एडेड SKUs की लिस्ट यूनिट्स, प्राइस व अमाउंट्स के साथ दिखेंगी। अगर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रीवियस बटन पर क्लिक करें और यूनिट मेंशन कर उन्हें ऐड कर दें। अवेलेबल डिस्काउंट्स के बाद डिस्काउंटेड अमाउंट, GST वैल्यू व टोटल अमाउंट चेक करें। अगर आपको वेरिएबल डिस्काउंट देना है तो यहां परसेंटेज या वैल्यू मेंशन करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टेप 3,
पेमेंट मोड ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करें और फिनिश पे क्लिक करें। अगले पेज पर टैक्स इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। डीएमएस इनवॉइसेस, डायरेक्ट काउंटर सेल्स से जनरेटेड सारे इनवॉइसेस डेट रेंज सेलेक्ट कर यहाँ देख सकते हैं और उनके मल्टीपल इनवॉइसेस भी प्रिंट कर सकते हैं। अगला टैब लोड शीट। डिलीवरी से पहले व्हीकल एलोकेशन व लोड शीट क्रिएशन के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने व्हीकल्स की डिटेल्स ऐड करनी होगी। इसके लिए व्यू एंड ऐड व्हीकल्स पे क्लिक करें। न्यू व्हीकल पे क्लिक कर ब्रांड, मॉडल, व्हीकल नंबर, कलर वो कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन डालें और सबमिट करें। गुड्स डैमेज ना हो इसलिए व्हीकल कैपेसिटी को ध्यान में रखें। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना व्हीकल सेलेक्ट करें, नरेशन डालें और डेट रेंज सेलेक्ट करें। यूजर सेलेक्ट कर अपडेट करते ही नीचे इनवॉइसेस की डिटेल्स आ जाएगी। अब डिलीवरी के लिए इनवॉइसेस सेलेक्ट कर लोड शीट क्रिएट करें। प्रेस ओके और पॉप अप आपको लोड शीट की डिटेल्स देगा। प्रिंट लोड शीट पे क्लिक करते ही अगले पेज पर लोडिंग रिपोर्ट बिल वाइज व प्रोडक्ट समरी के साथ प्रिंटेबल लोड शीट क्रिएट हो जाएगी। लोड शीट कलेक्शन, यहां आप क्रिएटेड लोड शीट की डिटेल्स, लोड आउट शीट नंबर, व्हीकल नंबर, टोटल केजी, नरेशन, क्रिएटेड डेट, स्टेटस, सेटल और नॉट सेटल के द्वारा आप लोड शीट का चुनाव कर आखिर में एक्शन टैब में व्यू बटन पर क्लिक करें। यहां आप इनवॉइस सेलेक्ट कर पेमेंट मोड, कैश, चेक, क्रेडिट, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करें और कलेक्टेड अमाउंट दर्ज कर सेव करें। अगला टैब कलेक्शन, कैश या चेक इत्यादि क्रेडिट कलेक्शन के स्टेटस व एंट्री के लिए दिए गए फिल्टर्स यूज करें और बायर सेलेक्ट करें। नीचे आउटलेट की पेंडिंग बैलेंस डिस्प्ले होगी। आप विद इनवॉइस या विदाउट इनवॉइस देख सकते हैं। कलेक्टेड अमाउंट ऐड करें, डेट एंड पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सबमिट करें। आउटलेट के लेजर में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अगला टैब सेल्स रिटर्न, रिटर्न प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए दिए गए फिल्टर्स यूज करें और बायर सेलेक्ट करें। विद इनवॉइस या विदाउट इनवॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करें। पुराने इनवॉइसेस के लिए विदाउट इनवॉइस ऑप्शन सेलेक्ट करें। नीचे इनवॉइस वाइज डिटेल्स में रिटर्न यूनिट मेंशन कर ड्रॉप डाउन मेन्यू से डैमेज्ड या एक्सपायर्ड या सेलेबल रीजन सेलेक्ट करें। जानकारी डालने के बाद सबमिट करें। SFA सेल्स रिटर्न पर क्लिक करें। डेट रेंज सेलेक्ट कर अपडेट व्यू करें। यहां आपको उस डेट रेंज के सारे सेल्स रिटर्न्स की इन्फो दिखाई देगी। एक्शन कॉलम से आप रिटर्न प्रोडक्ट्स अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। आपकी एक्शन के आधार पर सेलेबल या नॉन सेलेबल इन्वेंट्री तुरंत ही अपडेट हो जाएगी। अगला टैब बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक द्वारा किए गए पेमेंट्स की मैनुअल एंट्रीज सेटल करने के लिए ऐड बैंक, नई बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए ऐड बैंक पर क्लिक कर जरूरी सारी डिटेल्स फिल करें और सबमिट करें। बैंकिंग, यहां आप एडेड सारी बैंक्स की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैनेज चेक्स, डेट रेंज सेलेक्ट कर अपडेट व्यू करने पे उस पीरियड के सारे चेक पेमेंट्स का डेटा यहां डिस्प्ले होगा। एक्शन कॉलम में चेंज स्टेटस को क्लिक कर आप चेक स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की लिंक्स आपको देती हैं और भी कंट्रोल्स, जैसे कि बैंक स्लिप जनरेट करना, बैंक बैलेंस हिस्ट्री जानना या फिर कैश कलेक्शन की ट्रैकिंग करना। अगला टैब क्लेम्स, मंथली क्लेम डिटेल्स व एंट्री के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक्सपेंस हेड सेलेक्ट करें, जैसे कि ट्रेवल्स, डिस्प्ले विजिबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर इंसेंटिव्स वगैरह, और नीचे दी गई सारी इंफॉर्मेशन फिल करें। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ऐड क्लेम आइटम पे क्लिक करते ही राइट में आपका क्लेम ऐड हो जाएगा। क्लेम डिटेल्स फिर से एडिट करने के लिए मॉडिफाई पे क्लिक करें या फिर सबमिट पे क्लिक करते ही आपका क्लेम रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगा। अगला टैब रेज क्रेडिट नोट्स,
यहाँ आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। दिए गए फिल्टर्स यूज करें और बायस सिलेक्ट करें, नोट टाइप सिलेक्ट करें, कमेंट डालकर अमाउंट डालें और सबमिट पे क्लिक करें। ऊपर रेड लाइन प्रॉम्प्ट करेगी कि क्रेडिट नोट सेव हो गई है और वो रिलेटेड बायर के लेजर में अपडेट हो जाएगी। अगला टैब SR रिपोर्ट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के मार्केट वर्किंग की रियल टाइम रिपोर्ट्स आप यहां देख सकते हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करें जोन ASM, TSM, SR और अपडेट पे क्लिक करें। नीचे आप सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की अटेंडेंस, फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल, स्टॉक अवेलेबिलिटी, PJP कवर्ड, ऑर्डर फुलफिलमेंट जैसी डिटेल्स देख सकते हैं। यहां क्लिक कर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सिलेक्ट करें जोन ASM, TSM, SR और क्लिक करें अपडेट पे। इस रिपोर्ट से आप जान सकते हैं सभी SR की प्रोडक्टिविटी परसेंटेज, PC, टारगेट्स, LPSC, TLSD जैसी इंफॉर्मेशन और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉल रिपोर्ट, डेट रेंज सिलेक्ट कर अपडेट व्यू पे क्लिक करते ही नीचे आपके सामने होगी SR द्वारा जनरेटेड कॉल्स की डिटेल्ड रिपोर्ट्स। यहां आपको आउटलेट वाइज ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अटेंडेंस रिपोर्ट, डेट रेंज सिलेक्ट कर अपडेट व्यू पे क्लिक करने पर आप यहां यूजर वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट, इमेजेस, लोकेशन, टाइम, स्टेटस जैसी डिटेल्स के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कॉल विजिट, डेट रेंज सिलेक्ट कर अपडेट व्यू पे क्लिक करने पर आप यहां SR द्वारा लिए गए सारे कॉल्स की डिटेल्स जान सकते हैं। अगला टैब अदर रिपोर्ट्स, बाकी सारी रिपोर्ट्स जैसे कि GST रिपोर्ट्स या इंपोर्ट GST रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, आउटलेट रिपोर्ट जैसी सभी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके काम को और भी सशक्त और आसान करने के लिए है ना ये एक बेहतरीन सलूशन। DMS के सभी बेनिफिट्स को जानने समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।